वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जय माता दी आप सभी को। एंड आज है नवमी, तो आप सभी को नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो अभी मैंने कर ली है पूजा एंड मुझे बनाना है खाने का। तो आज मैंने नवरात्रि में कन्या भोज करवाते हैं ना, तो 2-5 कन्याएं मुझे मिल गई हैं। मैंने सोचा मैं भी कन्या भोज करवा देती हूँ, क्योंकि ना वो कल आई हुई थी तो बोल रही थी आंटी आप कन्या भोज करवा रही। मैंने बोला नहीं, तो मैंने सोचा चलो अब उनको भगाने से अच्छा है तो मैं उनको बुला लेती हूँ आज, है ना। तो थोड़ा सा मैं बनाऊँगी खाने का सामान। हम लोग कल मार्केट गए थे तो लेके आ गए थे, वो रखा हुआ है वहाँ पन्नी में। और फ्रूट लेके आए थे तो वॉश करके मैंने यहाँ रख दिए हैं। और अभी मेरी पूजा हो गई है, हवन हो गया है, क्योंकि आज नवमी है तो हवन करना तो बनता है। मैंने काले वाले चने वो मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए थे, बॉयल हो गए। बर्तन वगैरह सारे थे वो धुल गए हैं। फटाफट से किचन साफ करती हूँ एंड फिर पूजा का बनाना स्टार्ट। अभी मैं दूध रख रही हूँ गर्म होने के लिए, क्योंकि चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था। सुबह से काम में लगी हुई थी ना, तो टाइम ही नहीं मिला चाय पीने का। और अभी पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैंने चाय बनाई, और चाय बनाने के बाद अभी मैं चने फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पे एकदम सादा सिंपल से चने बनाए हुए थे, बिना लहसुन प्याज वाले, और काफ़ी टेस्टी बने हुए थे। तो बस कुछ नहीं, थोड़ा सा तेल डाला, जीरा डाला और ढेर सारा अदरक ग्रेट करके एंड हरी मिर्ची डाली, और जो थोड़े से नॉर्मल मसाले रहते हैं धनिया मिर्ची हल्दी, बस वो डाले एंड उसके बाद चने ऐड कर दिए। उसके बाद थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग, और बस जब थोड़ा सा पक गया तो मैंने छोले मसाला डाल दिया। बस इतने सिंपल से हमारे छोले थे और काफ़ी टेस्टी थे। आटा लग गया है हलवा सूजी का, तो ये भी बन गया ऑलमोस्ट। एंड यहाँ पे ये सब्जी बन गई है चने वाली। सारा खाना बन गया है और देख के देखो कितना अच्छा लग रहा है। हलवा, चने, पूड़ी एंड ये फल मंगाए हुए थे केले, तो सब रेडी है। बस अब सर्व करना है सारी कन्याओं को। आज मेरे घर में नवमी वाले दिन 9 कन्याएं बैठी हुई हैं घर में, जिनको मैं आज करवाने वाली हूँ कन्या भोज। और इतना अच्छा लग रहा ना, पता ही नहीं चला कि सब काम मैंने कैसे कर लिया। मैं ये नहीं बोलूँ कि मैंने खुद से किया, बट हाँ जितना मैंने किया उतना ही रुद्रांश के पापा ने किया, तो हम दोनों ने मिल बांट के काम किया है। उनकी भी बहुत इच्छा थी कि हम घर में कन्याओं को बुलाएं एंड उनको भोजन करवाएं। सो यहाँ पे जितना काम उन्होंने किया उतना मैंने किया, और हम दोनों ने मिल बांट के काम किया। काफ़ी अच्छा लगा और बहुत अच्छे से हम लोगों ने ये कर लिया है। सो यहाँ पे सारी कन्याएं आ गई हैं, और ये हमारी बिल्डिंग यानी कि हमारे पड़ोसी हैं जो बैठे हुए हैं। और अभी मैं सारी कन्याओं के पैर धुलाऊंगी और फिर उसके बाद सबको खाना परोसेंगे। और बच्चे हैं तो बच्चों की देखो रौनक कितनी अलग ही होती है ना। और यहाँ पे रुद्रांश ने भी फुल सपोर्ट किया है हमें। मम्मा मैं भी आपकी हेल्प करवाऊंगा, आपके साथ मैं भी कन्याओं को क्या खाने खिलाऊंगा। सो मतलब लाइफ में पहली बार मैं कुछ करने जा रही थी तो बहुत डर लग रहा था कैसे होगा कैसे होगा, बट सब अच्छे से हो गया है। और ये देखिए सबकी प्लेट में खाना लग गया है, सब खाएंगे। और काफ़ी अच्छा प्रसाद बना था। प्रसाद तो वैसे भी बहुत टेस्टी बन जाता है, बट मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतना अच्छा बन जाएगा। हलवा भी बहुत अच्छा बना था एंड चने भी बहुत अच्छे बने थे। सो यहाँ पे सबको खाना परोस दिया, अभी मैं टीका करूँगी। लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें दूसरों से सीखने को मिलती हैं, और जब तक आप उन कामों को नहीं करोगे तो आपको खुद पे खुद समझ नहीं आता है कि ये कैसे करना है। सो अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो ना, तो आपके माइंड में भी अच्छे अच्छे चीज़ें आती हैं।
और बस हमारा आज का डे नवमी वाला ऐसा रहा और काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे सारी कन्याओं के मैंने पैर धोए, उसके बाद सबको टीका लगाया, मावड़ लगाया एंड अब सब कन्याएं मुझे दे रही हैं आशीर्वाद एंड काफ़ी अच्छा प्रसाद बन गया, सबने ग्रहण किया और बस यहाँ पे हमारी सारी कन्याएं हैप्पी होके जा रही हैं। फाइनली हो गया सब अच्छे से, सारी कन्याएं चली गई हैं। और खाना पता नहीं कैसा बना है, अभी खाएंगे तब पता चलेगा टेस्ट वगैरह कैसा है। ये देखो पीछे लगे हुए हैं साफ सुफ करने में, क्योंकि बच्चों ने पानी वानी गिरा दिया ना। अभी हम लोग भी खाते हैं क्योंकि सुबह चाय पी थी, अभी हम भी भूखे ही हैं। बाकी सब है क्यों, चालू नहीं हो रहा था? चालू नहीं हो रहा था कौन सा वाला? चालू हो गया। देखा देखा माता रानी का सर जंबली का नाम लेके चालू किया, हो गया। माता रानी वैसे का मैंने सर। एक चीज देखी है, थोड़ा टाइम लेता है ये। हाँ। छोड़ दो उसको, ऐसे चालू करने के लिए चालू हो जाता है। देखो हमारे कितनी खुशी की बात है, इनका डेस्कटॉप चालू नहीं हो रहा था और इन्होंने चालू किया और आज चालू हो गया कन्या भोज होने के बाद। सो अभी हम लोग खाएंगे, भूख भी बहुत तेज लगाई। कन्या भोज सब अच्छे से हो गया और ना मैं तो फर्स्ट टाइम किया था ना, तो मुझे ऐसा लगा था पता नहीं कैसे करूँगी कैसे करूँगी, थोड़ी सी इन्होंने भी हेल्प करवा ली है तो सब अच्छे से कर लिया है। और ये सब माहौर लगाया ना, तो माहौर की वजह से पूरे हाथ देखो कैसे हो गए, रेड रेड हो गए हैं। आलता लगाया था तो थोड़ा सा पानी पिया जाए, प्यास लगाई है। नारियल बीसी में रखा है क्या? हाँ वो ये लगेगा ना करवा चौथ पे, तो हम कल को सामान लेके आए हुए थे ना चुन्नी, वो भी करवा चौथ पे लगेगी, तो मैं थोड़ा बहुत सामान करवा चौथ के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि पूजा की दुकान पे पूजा का ही सामान मिलेगा, बाकी जगह तो मिलेगा नहीं, तो सोचा अभी जो नवमी का सामान लेके आई उसी के साथ करवा चौथ की पूजा का सामान भी लेके आ गई हूँ। तो ये निकाल रहे हैं चुन्नी बाती एंड नारियल, ये सारा लेके आ गई थी मैं कल ही, ये रखा हुआ है। ये टीका रुद्रांश ने लगा दिया है मुझे, यहाँ लगाने की जगह उसने यहाँ लगा दिया, पूरा यहाँ से यहाँ तक लगा दिया था, कुछ तो साफ हो गया है। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ कल अच्छे से वीडियो के साथ एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। मैंने ये सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम की थी ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे, मतलब करने से पहले थोड़ी, किसी भी काम को करने से पहले थोड़ी सी घबराहट तो होती है, तो मुझे भी हो रही थी पता नहीं कैसे होगा कैसे करूँगी, बट सब अच्छे से हो गया है और काफ़ी मतलब खुशी मिल रही है, ये सब करके अच्छा लगता है। वो सारे काम कर लेने चाहिए जिससे मन को सुकून मिलता है। माता रानी से यही कामना करती हूँ सबके जीवन में खुशियाँ आएँ और सबकी इच्छाएँ पूरी हो। इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी दशहरा।